हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमजी विंसर में एक्सेसरीज कौन कौन सी लगती है। सो जब आप लोग गाड़ी खरीदने जाएंगे उस वक्त आप लोगों के पास एक डिटेल्ड वीडियो होना चाहिए जिसके अंदर क्या क्या एक्सेसरी लगी इसके ऊपर भी तो बात हो। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स से बताएं कि अगला ब्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कॉन्टेंट मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को दबा दें और कमेंट कर दें कि आप ऐसे कौन कौन से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एमजी विंसर में लगने वाली सारी एक्सेसरीज के ट्यूटोरियल वीडियो पे। सो दोस्तों अब बात करते हैं ऑल ओवर एक्सेसरीज के बारे में। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच एमजी जिन्होंने प्रॉपर यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप करा सारी एक्सेसरीज के ऊपर बात करने के लिए। शुरू करते हैं कॉर्नर से। तो जैसे आप इस तरफ देखते हैं ऑल ओवर आपको एक कवर मिल रहा है। अब ये जो है ये बेसिकली जो व्हील कवर लगेगा उसके लिए कवर है, अंदर की तरफ आपके पास स्पेस है जिसके बाद में अगर आपको स्पेयर टायर और यूज़ करना हो तो आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत सारे लोग ना कॉशियस होते हैं कि यार एक कवर होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। सेम टाइम जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर एक बम्पर मिलता है। सो फ्रंट के अंदर तो बम्पर अलाउड नहीं है मगर रियर के अंदर ये वाला बम्पर लगा सकते हैं ताकि गाड़ी थोड़ी सी सेफ हो जाए। जैसे इस तरफ देखते हैं वैसे आपको कुछ इस प्रकार के सनशेड मिलते हैं जिसके साथ ही कार कवर और उसी के साथ में की स्लीव यहाँ पर मिल रहा होता है। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो ऑल ओवर आपको जेन्युइन एक्सेसरी मिलती है जिसके अंदर यहाँ पर अगर आपको कप होल्डर लगाना हो तो प्रॉपर कप होल्डर है। हालांकि दूर से देखने पे ऐसे लग रहा है जैसे कोई वूफर का सेटअप हो। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही कोट टांगने के लिए आपको ये पॉइंट मिल रहा होता है जिसकी मदद से प्रॉपरली आप कवर पे कोट वगैरह टांग सकते हैं। जैसे इस तरफ देखेंगे वैसे बेल कंपनी का अच्छा बड़ी साइज का आपको यहाँ टायर इन्फ्लेटर मिलता है। अच्छी खासी ड्यूरेबल यहाँ पर साइज है जिसमें बीचों बीच आपको टायर प्रेशर मिल रहा है और उसी के साथ में ऑन एंड ऑफ करने का यहाँ पे ऑल ओवर मैकेनिज्म। यहाँ पर रख देते हैं वापस। सेम टाइम जैसे नीचे की तरफ देख रहे हैं वैसे ही बहुत क्यूट क्यूट से मड फ्लैप मिल रहे हैं। ऑल दो आई रियली विश कि यहाँ पर इनकी कॉस्ट लिखी हुई होती तो मेरे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा और फायदा हो जाता है। जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं वैसे ही ऑल ओवर कार के अंदर लगने वाली जितनी भी ट्रैक्शन वाली जो मैट्रेसेस हैं वो यहाँ पर मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो अंदर की तरफ कवर है उसमें एक और कवर लगाना हो या साइड के अंदर जो पॉकेट्स हैं उसके ऊपर कोई चीज़ लगानी हो या इसको कहीं पर लगाना हो, होता है ना, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजर्स हैं ये सारे के सारे आपको यहाँ पर, हाँ लिखा हुआ भी तो है यार, अनपढ़ आदमी हूँ मैं। सो यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजर्स मिल रहे होते हैं। जैसे इस तरफ देखते हैं वैसे ही ऑल ओवर जो आपको आगे और पीछे लगने वाले जो कवर हैं जिनको टेक्निकल भाषा में गार्निश बोलते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ऑल ओवर ये जो आईसी ब्लू कलर है कमेंट करके बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसा लगा। सेम टाइम फ्रंट में जैसे ही आप देखते हैं गाड़ी के, जैसे आप ये देखो दोस्तों फ्रंट वाली ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर एक एक्सेसरी लगी हुई है तो ये वाली एक्सेसरी है, ये पियानो ब्लैक में आपको मिलती है मॉरिस गैराज की। इस पे आपको ब्रांडिंग मिलती है, बहुत ज़्यादा यूनिक एंड खूबसूरत ये आपको मिलती है। अब ये तो रही यहाँ वाली सारी चीज़ें, अब चलते हैं आगे की तरफ और बाकी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। अब दोस्तों जैसे आप आगे चलते हैं वैसे ही हुड गार्निश आपको यहाँ मिलती है जिसमें ऊपर की तरफ हल्का सा क्रोम एलिमेंट है। सेम टाइम पे ORVM के ऊपर लगने वाली भी गार्निश है जिसमें हल्का सा आपके पास में हल्का सा क्या अच्छा खासा यहाँ पे क्रोम इंसर्ट मिलता है। सेम टाइम पर जैसे ही आप नीचे की तरफ साइड में देखते हैं वैसे ही कुछ इस प्रकार की गार्निश है जिसके अंदर अलग अलग कलर्स भी मिलते हैं, हल्का सा बेबी पिंक जिसके साथ में यहाँ पर क्रोम एंड नीचे की तरफ हल्का सा आपके, यार ये भी क्रोम ही है, यहाँ पे क्रोम एलिमेंट मिलता है। सेम टाइम व्हील आर्च क्लैडिंग भी आपको मिलती है पियानो ब्लैक के साथ में एंड उसी के साथ में अलॉय व्हील जो है उसके अंदर की भी आपको गार्निश मिलती है। आई रियली विश कॉमेट की तरह ये जो गाड़ी है इसमें भी आपके पास में बहुत सारे ऐसे जो कूल ऑप्शन है उसकी वजह से हम जैसे जो कार लवर है वो अपने लिए थोड़ा सा एक कस्टमाइजिंग टच यहाँ पर दे रहे होते हैं। जैसे इस तरफ देखेंगे वैसे ही डोर आर्च जो डोर क्लैडिंग है वो आपको यहाँ पर मिलती है जिसके अंदर भी आपको यहाँ पर कुल मिलाकर ये कलर्स मिलते हैं, बेबी पिंक उसके साथ में ये वाला नॉर्मल जो आपके पास में हल्का सा सैटिन क्रोम है वो और उसके साथ में ये, यार ये सैटिन क्रोम ही है क्या, आई गेस ये भी सैटिन क्रोम है पर ये वाले जैसे हैं ऐसे आपके पास और ऑप्शंस भी मिल रहे होंगे। यहाँ पर जैसे आप देखते हैं वैसे डोर के कोने पे लगने के प्रोटेक्टर आपको मिलते हैं। सेम टाइम जो अंदर की तरफ बात कर रहे थे कि ऑल ओवर जो स्पीकर्स हैं उनके ऊपर आप कवर लगा सकते हैं। आगे की तरफ पुराने वाले वेरियंट मतलब जो ऑलरेडी कॉमेट है उसमें भी हम देखते हैं कि मॉरिस गैराज की इस तरीके की स्पेसिंग के साथ में जो ब्रांडिंग है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टच देती है। एंड सेम टाइम जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे ही आपको ऑल ओवर जो रेन वाइजर है वो यहाँ पर मिल
रहे होते हैं जिसमें क्रोम इंसर्ट एंड एमजी की यहाँ ब्रांडिंग मिलती है, एंड उसी के साथ में ऊपर की तरफ लगने वाले आपको जो रूफ रेल्स है वो कुछ इस प्रकार के मिलते हैं। सो नाउ आई गेट टू नो कि दिस इज़ ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी। बाय द वे आप कमेंट करके बताना कि रूफ रेल के बिना गाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है या रूफ रेल के साथ में। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर लगने वाले साइड में जो एप्लीक्वीज है वो भी देखने को मिलते हैं, एंड उसी के साथ में इलेक्ट्रिक की बहुत खूबसूरत ब्रांडिंग। कॉमेट में इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग आती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीफाई लग रही होती है, एंड सेम टाइम यहाँ पर आपको एक और गार्निश मिलती है। अब बात करते हैं इस तरफ, तो जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही रेयर आपको डिफ्यूज़र या स्किड प्लेट डिज़ाइन यहाँ पर मिलती है, और उसी के साथ में ये बैटमैन जैसी डिज़ाइन के अंदर आपको मिलता है ऊपर की तरफ स्पॉयलर डिज़ाइन। बाय द वे गाइज, बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल के अंदर आपको ये ऑल ओवर जो स्पॉयलर है उसके ऊपर वाली गार्निश है। कमेंट करके बताना कि ये बैटमैन डिज़ाइन आपको कैसी लगी। जैसे इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको कुल मिला के 3 प्रकार की मैटिंग मिलती है। मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट ये वाली है, रॉ बेसिक एंड ईजी टू क्लीन एमजी का यहाँ पर लोगो मिलता है, जिसके साथ में अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है। जिन लोगों को ये नहीं चाहिए उन लोगों के लिए हल्का सा ये ट्रैक्शन वाला जो मटेरियल है इसके साथ में मैट फिनिश में यहाँ मैटिंग मिलती है, यहाँ से रिमूव करो आराम से खोलो और क्लीन कर लो। एंड सेम टाइम इस पे जो 3 स्ट्राइप आ रही है इसकी वजह से इसका लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। लुक की बात करें तो उसके बाद में यहाँ एक और मैटिंग मिलती है, ये थोड़ी सी ज़्यादा ट्रैक्शन वाली है, ये थोड़ी सी कारपेट फिनिश ज़्यादा आपको मिलती है, जिसमें यहाँ पर अलग से आपको एक पैड मिलता है, तो जब भी आप पैर रखते हो तो ये जो मैट है ये बार बार ऐसे पैर रखने पर ख़राब नहीं होगी, अच्छा खासा इसमें ट्रैक्शन मिलता है। एंड सबसे अमेजिंग बात ये है कि जैसा कलर एंड पैटर्न यहाँ पर है वैसा का वैसा टेक्सचर पैटर्न आपको इस मैटिंग की टीपी ग्रेड में भी मिल रहा होता है। अब दोस्तों ये तो रही इधर की तरफ बातें, अब चलते हैं उस तरफ और कुछ और एक्सेसरीज आप लोगों को दिखाते हैं। अब दोस्तों उधर जाते हुए हमें नीचे की तरफ देखे सीट कवर। सो ऑलरेडी जो सीट्स हैं दे आर सुपर गुड, मगर उनके ऊपर आप कुछ इस प्रकार के कवर लगवा सकते हो, क्योंकि कवर से याद आया पीछे की तरफ हमारे विक्रम भैया हैं। पता नहीं एक्सेसरीज का मुझे एक बात बताओ, एक्सेसरीज वालों से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपके दोस्त हैं। हाँ, मेरे को बचपन से शौक एक्सेसरीज गाड़ी पे भाई सब लगाते रहने का। बिल्कुल तो सही बात है। सो विक्रम भैया जो हैं, कभी भी मुझे एक्सेसरीज से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होती है तो मैं भैया से बात करता हूँ। विक्रम अहलावत भैया का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर भैया बहुत सारा फन कर रहे होते हैं। चलो मैं उधर वाली और एक्सेसरीज एक्सप्लोर करके आता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी हम एक्सेसरीज की बात करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि कंपनी एक्सेसरीज थोपरी है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप गाड़ी को रियलिस्टिक लाइफ में देखते हो देन यू रियलाइज़ कि ये एक्सेसरीज लगने के बाद में आपकी गाड़ी का ऑल ओवर लुक चेंज हो जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप एक्सेसरीज वाला कैटलॉग देखें, आपको जो जो पसंद है आप वही चीज़ें लगवाएं, मगर अपने हिसाब से लगवाएं। ऐसा नहीं कि सामने वाला आपको सजेस्ट कर रहा है कि भैया मैं आपको यही एक्सेसरीज बोल रहा हूँ लगवा लूँ, नहीं, आपको जो पसंद है आप वो लगवाएं। अब आते हैं वापस इस तरफ, जैसे इस तरफ देखते हैं बहुत खूबसूरत एंड फ्लफी आपको आपको एमजी का कुशन मिलता है, जिसके साथ ही आपको यहाँ पर बो टाई शेप के अंदर जो नेक रेस्ट है बैक रेस्ट वो आपको मिल रहा होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से ऑल ओवर जो फील गुड एक्सपीरियंस है आपका इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको मिलती है लाइफस्टाइल और एमजी के एक्सेसरीज़, वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे ही आपको एक नेक रेस्ट मिल रहा होता है, जब भी आप ट्रैवल करें तो ऐसे को काम में ले सकते हैं। मेरे पास एमजी का जो नेक रेस्ट है वो दूसरे कलर का बेसिक कलर वाला है, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है आपको कौन सा कलर पसंद है। उसी के साथ ही जैसे इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको मोबाइल होल्डर मिलता है। अब इसमें बहुत सारी गैजेट गिमिक चीज़ें और उसी के साथ में कोने पे यहाँ सी टाइप पोर्ट है, तो दैट मींस कि ये जो है ये वायरलेस चार्ज करने के लिए। सेम टाइम बहुत क्यूट सा एमजी का यहाँ पे डैश कैम मिलता है। बेस वेरियंट के हिसाब से यहाँ पर आपको एक और स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर आप एक और रिवर्स कैमरा एड ऑन कर सकते हैं। इस तरफ जब आप देखते तो आई गेस ये एयर प्योरीफायर है, जिसके साथ में वायरलेस हेडफोन्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ थोड़ी और एक्सेसरीज है, जिसमें मेरे को मग थोड़ा सा पसंद है, टी शर्ट, जिसके साथ में एक बहुत खूबसूरत आपके पास में लेदर बैग है। ऑलरेडी हमारे पास ट्रिप मशीन का लेदर बैग है, पर मुझे इस पर भी थोड़ी सी मेरी नज़र चल चुकी है। और उसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ इस प्रकार के लग नट। सो बेसिकली ना, जब भी आप अपनी गाड़ी को और ज़्यादा सेफ रखना चाहते हो और आपको लगता है कि गली का कोई चोर इनके व्हील्स चुरा के ना ले जाए, तो उस केस के अंदर ये जो लग नट है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। साथ के अंदर बैकअप टॉर्च, एक यहाँ पर आपको मग मिलता है जिसके साथ एक बॉटल, थोड़े और डफल बैग और यहाँ पर और खूब सारी लाइफस्टाइल एक्सेसरी, जिसके अंदर मुझे लगा है अच्छा ये। सो बेसिकली आपको एक छोटा सा पोर्टेबल यहाँ पर मिल जाता है, रेफ्रिजरेटर बोलूँ या कूलर बोलूँ। सो बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल के अंदर आपको चिलर बॉक्स मिल जाता है, जिसको आप अपनी गाड़ी की यूएसबी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, एंड ट्रैवल के अंदर बहुत सारी ठंडी ठंडी इसमें चीज़ें रखकर उनको ठंडा और रख सकते हैं। कमेंट करके बताना कि ऑल ओवर आपको इसका लुक कैसा लगा। सेम टाइम यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलते हैं और अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करने के लिए
और मटेरियल, सो बेसिकली वैक्स पॉलिश और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी एक्सेसरीज जो हैं वो MG के स्टोर पे जाके आप देख सकते हैं। आई होप ऑलरेडी इस व्लॉग के अंदर हमने जो भी एक्सेसरीज आती हैं उन सब के बारे में बात करा, फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई एक्सेसरी रह रही है तो वील ट्राई कि हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है बहुत सारी एक्सेसरीज़ के बारे में बात करना ताकि हमारी गाड़ियाँ और ज़्यादा यूनिक हो जाएं। इसी यूनिकनेस को बरकरार रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला ब्लॉग कौन सा बनाए, ऐसा कोई भी कॉन्टेंट मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को दबा दें और हमारे साथ ऐसे ही बहुत सारे ऑटोमोटिव डिस्कशन करते रहें। तब तक सेफ रहें और अपने दोस्तों के साथ ये सारा का सारा कॉन्टेंट शेयर कर दें। तब तक बाय बाय।